हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? और ये सामने जो आप होम स्क्रीन देख रहे हैं, ये मॉडल जो है TS LT20A+ मॉडल है। ये रखा हुआ है, न्यू अपग्रेडेड मॉडल है। ये 11,500 लुमिनेंस है। ANSI लुमिनेंस जो है 2800 है प्रोजेक्टर का, और काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है। प्रोजेक्टर न्यू अपग्रेडेड होके आया है मेरे पास, और आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें होम स्क्रीन इस तरीके का यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको। जो भी यहाँ पे डिटेल है आपको सामने देख सकते हैं आप। AV मोड आपको यहाँ मिल जाएगा होम पे, HDMI 1, HDMI 2, बाकी मीडिया, ब्राउज़र, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। एक VLC प्लेयर भी यहाँ मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो VLC प्लेयर भी आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए। बाकी सेटिंग यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ प्रोजेक्शन सेटिंग में आपको डिजिटल 4D कीस्टोन का भी ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। कॉर्नर टू कॉर्नर आप स्क्रीन सेट कर सकते हैं प्रोजेक्टर में, ओके। और यहाँ पे जो है आपको डिजिटल जूम इन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप डिजिटल जूम इन का भी ऑप्शन चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका स्क्रीन भी डिजिटल जूम इन हो जाएगा। ये मैं चारों कॉर्नर से एक साथ ही आपको डिजिटल जूम इन करके दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली भी जूम इन और आउट कर सकते हैं, ओके। बाकी वही नॉर्मली जो एक टाइम सेटिंग आता है, ये सब चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। टाइम सेटिंग कॉमन सेटिंग है यहाँ पे, जो भी है आपके सामने डिफ़ॉल्ट सोर्स मोड, ये सब आप देख सकते हैं नॉर्मली जो एंड्रॉयड में आ रहा है। हालांकि मेरे 2-3 वीडियो बने हुए फुल डिटेल के अंदर, अगर आपको देखना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सारी फीचर्स दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ मोड भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और सिस्टम इन्फो यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं जो भी जानकारी है। प्रोजेक्टर का नेटिव रेजोल्यूशन फुल HD 1080p अप टू 4K 8K मूवीज जो है प्ले कर देता है प्रोजेक्टर, ओके। और यहाँ पे आप ऐप्स देख सकते हैं, ऐप्स में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप स्टोर है, अपना ब्राउजर है, प्ले स्टोर, यूट्यूब, ऐप स्टोर, ये सभी आपको यहाँ, कोडी प्लेयर, VLC प्लेयर, ये सभी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको इस प्रोजेक्टर में दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे इसमें HDMI ARC का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको पिक्चर सेटिंग मिल जाएगा, यहाँ साउंड मोड दिया हुआ, यहाँ आपको HDMI ARC का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ARC का ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ओके। तो बाकी मैं इसमें आपको कुछ वीडियोस जो है प्ले करके दिखा देता हूँ। प्रोजेक्टर में जो है दो USB कनेक्टिविटी दी हुई है, दो USB कनेक्टिविटी है, दो HDMI कनेक्टिविटी है, एक ऑक्स AV और इंटरनेट लैन पोर्ट भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं प्रोजेक्टर को जो है इसमें मैंने USB से जो है इसमें 2TB का हार्ड डिस्क भी कनेक्ट कर रखा है, तो मैं हार्ड डिस्क के थ्रू, ये देखिए VLC प्लेयर मैंने यहाँ डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको कुछ वीडियोस जो है यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ उसमें, तो आपको क्वालिटी का भी आइडिया लग जाएगा। और प्रोजेक्टर का प्राइस जो है दोस्तों, लेटेस्ट प्राइस जो है 25,200 रुपये है, और 1 ईयर वारंटी के साथ प्रोजेक्टर मिलेगा। COD ऑल इंडिया में अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए और प्रोजेक्टर परचेज करने के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस जो है प्ले करके दिखा देता हूँ TS LT20A+ मॉडल के अंदर। यहाँ पे आप क्लियरिटी देख सकते हैं, क्वालिटी आपको यहाँ एक नंबर मिलेगी देखने के लिए। दोस्तों 4K मूवीज़ का जो ज़्यादा हैवी फाइल होगा आपका, लगभग 50GB, 60GB या 40GB का भी फाइल होगा, तो वो प्रोजेक्टर में 1GB रैम होने के कारण स्मूथली प्ले नहीं होता। बाकी मेरे हिसाब से आप 4K मूवी 15 से 20GB तक का डाउनलोड करके चलाइए, काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। क्वालिटी एक नंबर है प्रोजेक्टर की। तो दोस्तों आप मॉडल परचेस करने के लिए और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।